पूर्णिया के जदयू नेता अमरेंद्र कुशवाहा कई मामलों में लगातार चर्चा का विषय रहे हैं। ताज़ा मामला में अमरेंद्र कुशवाहा के बेटे शुभम कुशवाहा ने भागकर शादी की थी, जिसके बाद लड़की के परिजनों की तरफ से आरोप लगाया गया था कि लड़की नाबालिग है, उसे बहला फुसला कर भगाया गया है। इसके बाद लगातार चर्चा का विषय बन गया था। अब लड़की श्रेया सिंह खुद से पुलिस अधीक्षक दयाशंकर के कार्यालय पहुंचकर खुद को बालिग बता रही है। श्रेया का कहना है कि उनके ससुराल वाले को कोई आपत्ति नहीं है, ना ही उनके घर वाले को, आपत्ति सिर्फ उनके बड़े पापा को है। उनके बड़े पापा ने उन्हें धमकाया भी है, यहाँ तक कि उन्हें मारने की बात भी कही है। लगातार उन पर केस भी किया गया है और दबाव भी डाले गए हैं। ऐसे में श्रेया सिंह अपना पक्ष रखते हुए पुलिस अधीक्षक दयाशंकर के समक्ष खुद को बालिग साबित करने के लिए पहुंची है। सुनिए श्रेया सिंह ने क्या कुछ कहा है। ये जो मेरे पापा लोग जो केस किए हैं, ये फॉल्स है, ये सब झूठ है, मुझे कोई किडनैप नहीं किया है। अच्छा, क्या किस चीज़ का केस हुआ है आपके? ये कि हम नाबालिग हैं, पर हम बालिग हैं, नाबालिग नहीं है। आपने शादी की? हाँ। बालिक हैं आप? हाँ। कागजात है बालिक होने के आपके पास कुछ? नहीं, वो तो नहीं है। वो सर्टिफिकेट एज मेरा 18 प्लस है, बट रियल एज मेरा 19 प्लस हो चुका है। सर्टिफिकेट एज 18 प्लस है आपका? हाँ। कब आपकी शादी हुई है? 21 जून को। 21 जून को किन से हुई है शादी? शुभम कुशवाहा से। शुभम कुशवाहा। अच्छा, क्या आपको ससुराल वाले की तरफ से कोई दबाव मिला है? नहीं, उन लोगों से तो मिले भी नहीं है, और तो कुछ उसका उन लोगों का तो कुछ हाथ ही नहीं है इसमें। बस मेरे बड़े पापा लोग के फैमिली से हमको दबाव मिला, धमकी मिला कि मरवा देंगे, और मतलब सबका नाम ले लेके जो अपराधी सब हैं यहाँ के मुख्य प्रमुख अपराधी लोग हैं, उन लोग से हम लोग को धमकी दिलवाने का, ऐसे कि उससे मरवा देंगे, उससे मरवा देंगे, ये वो। अच्छा, तो आपके घर, आपके पिताजी को या माँ को, आपके जो घर के लोग हैं, उनको कोई आपत्ति है इस शादी से, या उन्होंने कोई केस दर्ज किया है? नहीं, मेरी मम्मी लोग तो केस दर्ज कुछ भी नहीं किया। उस लोगों को भी धमकी मिल रहा है। मेरी छोटी बहन है, उसको भी धमकी मिला, मेरी मम्मी को भी धमकी मिला, मेरे सास ससुर और मेरे मतलब हस्बैंड को भी धमकी मिल रहा है कि मरवा देंगे किसी से। मतलब आपके घर वाले या ससुराल वाले की तरफ से अब तक कोई दबाव नहीं है? नहीं नहीं, सिर्फ आपके बड़े पापा से दबाव है। क्या नाम है उनका? मनीशंकर सिंह। अब क्या मांग करने के लिए आए हैं और एसपी साहब के पास क्या बोल रहे हैं? यही कि उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और बालिक अपने मर्जी से शादी के तो वो लोगों को क्या प्रॉब्लम है? जब मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है तो वो लोग कौन होते हैं बोलने वाले? आज तक मुझे 1 रुपये का चॉकलेट तक नहीं दिया है वो बड़े पापा, और बोले कि हम लोग शुरू से उसको स्कूल पहुँचाते थे, लाते थे, और तो और उस बार जब मीडिया में वो बोले तो वो बहुत कुछ बोल दिए कि मतलब हम मरवा देंगे, उसको यहाँ पे बुलाओ, अगर मतलब माँ का दूध पिया तो यहाँ पे बुला दो। आप लोग वो वाला भी न्यूज़ देख सकते हैं, उसमें भी वो बोले हुए थे। पिताजी, इस बारे में कुछ बात हुई है आपकी, कुछ बोलने वाले? कौन? आपके पिताजी? नहीं, मेरे पिताजी नहीं है, माँ है। हाँ, परिचय बता देंगे? किसकी? आप अपना नाम? मेरा नाम श्रेया सिंह है।